इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव से सीधी तस्वीरें। उन्नाव रेप पीड़िता का शव अब उसके घर उसके गांव पहुंच चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसका इंतजार सुबह से ये गांव कर रहा था। गमगीन माहौल पूरे गांव में, और वो रेप पीड़िता जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार गई, आज लौटी है अपने गाँव मृत शरीर के रूप में। उम्मीदों के साथ वो आगे बढ़ रही थी, उम्मीदों के साथ वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। कसूर सिर्फ इतना था उन्नाव की बेटी का कि उसे सिस्टम पर भरोसा था। कसूर सिर्फ इतना था कि उसे देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा था, और वो अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही थी, वो लगातार लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन आज देखिए, अपने गांव पहुंची है ये बहादुर बिटिया, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाएगी, किसी को अपना दर्द बता नहीं पाएगी, किसी को ये नहीं कह पाएगी कि उसने क्या झेला, किसी को नहीं बता पाएगी कि जलने के बाद उसे कितना दर्द हुआ, किसी को नहीं कह पाएगी कि वो चाहती है कि उसके गुनहगारों को सजा मिले। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उन्नाव से, जहां उन्नाव की बेटी का शव उसके गांव पहुंच गया है। सुबह से ही उसके गांव में इंतज़ार किया जा रहा था। गमगीन माहौल, हर तरफ आंखें नम हैं, क्योंकि उन्नाव की वो बहादुर बिटिया है जो अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी के लिए लड़ रही थी। उसे पता था कि उसकी जंग मुश्किल है, लेकिन इतना भी उस बेटी को इल्म नहीं था कि उसे इंसाफ की लड़ाई लड़ना इतना भारी पड़ जाएगा कि वो अपने घर अपनों के बीच लौटेगी ज़रूर, लेकिन मृत शरीर के रूप में लौटेगी। वो नहीं बता पाएगी अपने घर वालों को कि उसे कैसा लगा था जब दरिंदों ने उसे घेरा था, उस पर वार किया था, पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। लेकिन बहादुर बेटी ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी थी, वो दौड़ी थी, वो चीखी चिल्लाई थी, अपने लिए मदद मांगी थी, पुलिस से खुद बात की थी। लेकिन अब शायद उन्नाव की बेटी का दर्द भगवान से भी नहीं देखा गया, और उसे इस जिंदगी से आज़ादी ज़रूर मिली है। प्रभात अवस्थी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जो लगातार उन्नाव में मौजूद हैं, पल पल की जानकारी हमको दे रहे हैं, वो जुड़ गए हैं। प्रभात, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, उन्नाव की बिटिया का शव पहुँच चुका है पैतृक गाँव में, क्या अपडेट्स आपके पास? आपका अभी के लिए जानकारी देने के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर आपसे हम अपडेट लेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर रेप पीड़िता उन्नाव की बिटिया लौटी जरूर है अपने गांव, लेकिन मृत शरीर बनकर लौटी है। कई सवाल, जो खामोशी है उस खामोशी में कई सवाल दबे हैं, और उन सवालों का जवाब जल्द से जल्द मिलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब इस देश की महिलाओं का, इस देश की बेटियों का सब्र का बांध टूट रहा है, और वो सरकार से यही पूछ रही हैं, वो इस सिस्टम से यही पूछ रही हैं कि अब तो जाग जाओ, कितनी और बेटियों की जान जाएगी, और कितनी बेटियां हैं जो अपनी असमत लुटते हुए देखेंगी, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगी, तो उसका ये हश्र कर दिया जाएगा, ये अंजाम कर दिया जाएगा।
अब तो सुधर जाइए सिस्टम, यही मांग अब देश की बेटियों की तरफ से की जा रही है।